पुलिस कार्रवाई न होने से खफा सोसड़ा गांव में रोहताज नाम का युवक टेलीफोन टावर पर चढ़ गया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने युवक को नीचे उतारा। टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और टीम गठित कर युवक को नीचे उतारने के प्रयास में जुट गए और करीबन 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। युवक रोहताज को नीचे उतार कर प्रशासन प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहारू में ले जाया गया। पीड़ित रोहताज ने टावर पर चढ़ने से पहले एक लेटर लिखकर टावर के नीचे छोड़ा था, उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस पत्र द्वारा प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। टावर से नीचे उतारने के लिए बीएसएनएल टावर की टीम टावर के ऊपर पहुंची और युवक से बातचीत कर उसे पानी पिलाकर नीचे उतारने के लिए राजी किया और उतारने में कामयाब हुए और प्रशासन ने भी युवक के नीचे उतरने के बाद राहत की सांस ली। वहीं पीड़ित रोहताज से जब बातचीत की गई तो उसने बताया कि उसे 1 महीना हो गया है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आरोपियों के खिलाफ वह परेशान था। उसने बताया कि उसे और उसकी गाड़ी को करीबन 100 किलोमीटर आरोपी ले गए थे और पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मौके पर नायब तहसीलदार एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि युवक द्वारा टावर पर चढ़ने की सूचना प्रशासन को मिल गई थी और पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और टीम गठित कर युवक को नीचे उतारा गया। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवक रोहताज का गांव में किसी बात को लेकर झगड़ा था। उस तनाव को लेकर कार्रवाई न होने के चलते वह नाराज होकर टावर पर चढ़ गया। जब उससे भ्रष्टाचार के पत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। पीड़ित रोहताज को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। 1 महीना हो गया जी, दुराचार हो रहा जी, कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या कार्रवाई चाहते थे आरोपियों के लिए? आरोपियों ने कम से कम कोई सबक तो देना तो नहीं। आज मेरी गाड़ी लूटी है, कल बकरे की लूटिंग, कल कोई जहाज भी लूटिंग हुआ। तेरी गाड़ी से क्या गाड़ी से किया आपकी गाड़ी? गाड़ी को मेरी गाड़ी ले गए आगे, फिर मेरे को 100 किलोमीटर दूर जाके छोड़ दिया, फिर गाड़ी उठा लेंगे। इसको कुछ समस्याएं थी, इसने बताया था कि कुछ लोगों के साथ इसका झगड़ा था और उनको लेके ये टावर के ऊपर चढ़ा था और टावर के ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही पता चला, प्रशासन और पुलिस की मदद से एक टीम तैयार करी गई जिसमें राजवीर सिंह और बलवान सिंह दो लोग टावर के ऊपर चढ़े, जिन्होंने उसको पानी पिलाया और बातचीत करी और बातचीत करने के बाद फिर इनको नीचे उतारा गया और अब इनको मेडिकल चेक के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। मेरे संज्ञान में नहीं है, इतना ही पता चला था कि इसका कुछ लोगों के साथ झगड़ा था और उसी के तनाव की वजह से टावर के ऊपर चढ़ा था।